बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये देखें, आज हम पका रहे हैं अरबी गोश्त। हमने बीफ का गोश्त लिया, एक किलो है। ये देखें, और ये देखें एक किलो ही अरबियाँ हैं। ये देखें, ये अभी मैंने छीली नहीं है, अभी छीलूँगी मैं। ये देखें जो इसमें ये मसाले डालेंगे, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये साबुत मिर्चें हैं, ये लाल वाली। ये 12 से 13 अदद होंगी। ये 10 से 12 अदद लाल मिर्चें ली हैं मैंने। कोई कम खाता है तो कम खा डाले, कोई ज़्यादा भी खाता है, कोई कम भी खाता है, वो अपने टेस्ट के मुताबिक है। ये देखें, ये हमने एक चम्मच धनिया लिया है, ये साबुत धनिया है ये। और देखें, ये साबुत हल्दी है, ये 2 अदद हमने लिए। और ये साबुत ज़ीरा, ये भी हमने एक चम्मच लिया है लेंगे। देखें, ये टमाटर हैं, ये मैंने 4 अदद लिए हैं ये। ये देखें, ये लहसुन की ये पूरी ये गिठा लिए मैंने। ये देखें, पूरी एक गिठा लिए मैंने ये लहसुन की। ये देखें, छील लिए ये मैंने। और ये एक अदरक का टुकड़ा लिया, ये भी छील लिया है मैंने। और ये 3 अदद प्याज हैं, ये देखें, ये मैं काट लूँगी। और इनको हम पीसते हैं, और ये प्याज को हम काट के फ्राई करेंगे, फिर आपको देखें। ये देखें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। इसमें लहसुन अदरक है, साबुत हल्दी और ज़ीरा है, और साबुत धनिया है जो मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने पीस लिया है। ये देखें, ये मैंने पीस लिया है ये। ये ज़ीरा है, साबुत हल्दी है, लहसुन अदरक है, और साबुत धनिया, ये मैंने पीस लिया है। ये देखें, लाल मिर्ची जो मैंने आपको दिखाई थी, ये भी मैंने पीस ली है ये। ये गरम मसाला है ये, जब हम प्याज ब्राउन करेंगे तो ये इसके साथ डालेंगे हम ये। ये देखें, ये एक चम्मच जो खाने वाला था ये नमक है ये, और हसबे जायका है ये, कम पड़ेगा तो हम और डाल देंगे। आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर है, ये हमने पीस लिया था, ये हम बाद में एंड में डालेंगे जब तैयार हो जाएगा सालन। ये देखें, 4 अदद जो मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, ये देखें मैंने पीस लिए हैं ये, इसका पेस्ट बना लिया है ये। अब हम एक ही तरफ चलते हैं भाई। बिस्मिल्लाह, देखें हम सरसों का तेल इसमें डाल रहे हैं ताकि ये गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाह, नाप रखा हुआ है तेल का, ये मैंने 2 डाल दिए इसके अंदर। मैं कैसे पकड़ूं? बिस्मिल्लाह, ये देखिए मैं प्याज काट रही हूँ भगार के लिए। ये देखें, कुछ भी नहीं, प्याज काट रही हूँ। फिर मैं ये सब, फिर मैं अरबियाँ छीलूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें गरम मसाला हम डाल रहे हैं, तेल गरम हो चुका है हमारा। ये देखें, अब ये देखें हम इसमें डाल रहे हैं, फिर हम गोश्त डालेंगे, फिर इसको भूनेंगे, फिर सब मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाते जाएंगे। मेरा हमारे में ये देखें हम अरबियाँ छील रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाह हमारे रहीम, ये एक एक करके हम एक एक करके सब छील लेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अभी हम थोड़ी देर इसको भूनते रहेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे इसके अंदर। देखें, ये देखें गोश्त भुन रहा है। देखें, अब इसमें हम मसाले भी डालेंगे। ये देखें, जो हल्दी, लहसुन अदरक, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सब हमने पीसा था, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। इसमें ले रहे हैं, और देखें साबुत मिर्चें जो हमने पीसी थी, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें लहसुन ले रही हूँ, भी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर।
ये हम मसाले हमने डाले हैं इसके अंदर। अब ये देखें, चार अदर टमाटर हमने पीस लिए थे, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। लहसुन ले, और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। फिर भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा पकने देंगे। ये देखें, देखें गोल मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया है। ये देखा, अब इसमें शामिल पानी डाल दिए ताकि ये थोड़ा गल जाए। फिर हम इसमें अरबियाँ डाल के भूनेंगे। ये जब तैयार हो जाएगा तो आपको दिखाएंगे। इसमें लहमान लेंगे, आधा जग पानी डाला है इसके अंदर। अब ये गलने के लिए हम इसको छोड़ देंगे, फिर तैयार आपको दिखाते हैं। ये देखें, अरबियाँ मैंने छील ली थी और मैं धो भी ली हैं। ये देखें, अब हल्के हल्के बुनने पे आ रहा है, तो अभी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है। तो ये डालूँगी अरबियाँ, तो इसमें भूनते में ये थोड़ी गल जाएंगी। फिर इसमें लहसुन ले रही हूँ। ये देखें, ये अब भुनने पे आ रहा है। ये देखें, ये भुनने पे आएगा। इसको अच्छी तरह भून के फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। फिर 15 मिनट के बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें हमारे यहीं में देखें, रोगन आ चुका है। ये देखिए, मैंने भून चुके हैं इसको। ये देखें, अरबियाँ अरबियों के मसाला चढ़ चुका है। ये देखें, रोगन रोगन छोड़ दिया। आप देखें, उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से पहले फिर आधी चमची हम गरम मसाला। ये जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला दिखाया था ना, वो डाला। तो पानी डाल रहे हैं हम, इसमें लाग मारी रहे हैं। ये देखें, अब जो थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी ये इसमें गल जाएंगी। थोड़ा शोरबा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अरबी गोश्त तैयार कर लिया है। ये देखें, अब ये तैयार है, पकाएं और फिर बताइएगा।